Hello everyone, in this video we will study about third and last type of epithelium, that is columnar epithelium. Columnar epithelium is made up of tall pillar like cell. The main function of this tissue is secretion and absorption. First type is simple columnar. चूंकि ये सिंपल कॉलमनर है तो एक लेयर का बना हुआ होगा और ये पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग में. जो हम फूड खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है और उस एब्जॉर्प्शन में ये सिंपल कॉलमनर हेल्प करता है. सेकेंड टाइप इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये मेनी लेयर्स का बना हुआ होगा और ये ऐसे जगह में पाया जाता है जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, एज फॉर एग्जाम्पल एनस में एंड फेरिंग्स में. फेरिंग्स वो जगह है जहां से हम अपने फूड, हमारा फूड गले से ठीक ईसोफेगस में जाता है, उसको हम लोग, उस जगह को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं. तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है और जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है वहां पे ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर पाया जाता है. स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन. थर्ड टाइप इज सीलिएटेड कॉलमनर. सीलिएटेड कॉलमनर मतलब इसके फ्री एंड पे सीलिया पाया जाएगा. एंड सीलिया किस तरह से काम करता है ये हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, समझ चुके हैं. एंड सीलिएटेड कॉलमनर पाया जाता है किडनी ट्यूबल्स में एंड फैलोपियन ट्यूब में. किडनी ट्यूबल्स में सीलिएटेड क्यूबॉइडल भी पाया जाता है. किडनी ट्यूबल्स में ये सीलिएटेड कॉलमनर एंड सीलिएटेड क्यूबॉइडल यूरिन को कंडक्ट करता है, दैट मीन्स यूरिन को बाहर की तरफ ले जाता है. एंड फैलोपियन ट्यूब में ये टिश्यू जायगोट को फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक ले जाने का काम करता है. इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं. ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रफ डायग्राम है. ये ओवरी है एंड ये फैलोपियन ट्यूब है एंड ये यूटरस है. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड जायगोट यहीं पे बनता है, बट जायगोट का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है. और ये जो सीलिएटेड कॉलमनर है, ये सीलिएटेड कॉलमनर फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है एंड ये हेल्प करता है जायगोट को यहां से यहां तक आने में. सो इनके तीन पॉइंट्स क्या क्या हो गए. फर्स्ट, सीलिया इज प्रेजेंट ऑन इट्स फ्री सरफेस. सेकंड, इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स एंड फैलोपियन ट्यूब. थर्ड, इट हेल्प इन कंडक्शन. नाउ एक स्पेशल टाइप का एपिथीलियम पाया जाता है जिसको कि हम लोग ग्लैंडुलर एपिथीलियम कहते हैं और इसमें जनरली कॉलमनर सेल्स ही पाए जाते हैं. इसमें होता यह है कि एपिथीलियम टिश्यू का कुछ पोर्शन अंदर की तरफ मुड़ जाता है और जो टिश्यू है वो सिक्रीशन करने लगता है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, जैसे कि एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया. एंड ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम पाए जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में, जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा. नाउ रिविजन. कॉलमनर एपिथीलियम बने होते हैं टॉल एंड पिलर लाइक सेल के. इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. सिंपल कॉलमनर जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है और ये पाया जाता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग में. स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जो होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है एंड ये ऐसे जगह में पाया जाता है जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि एनस एंड फेरिंग्स में. सीलिएटेड कॉलमनर के फ्री सरफेस पे सीलिया पाया जाता है एंड ये पाए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में एंड किडनी ट्यूबल्स में. एक स्पेशल टाइप का एपिथीलियम पाया जाता है जिसको कि हम लोग ग्लैंडुलर एपिथीलियम कहते हैं. इसका मेन फंक्शन होता है केमिकल का सिक्रीशन करना और ये पाया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, एज फॉर एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा. इसके साथ ही एपिथीलियल टिश्यू कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू.